एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। पूरे छत्तीसगढ़ में विकास यात्रा का पहिया पूरे तेज गति से छत्तीसगढ़ में दौड़ रहा है। काफ़ी सारे संख्या में लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विकास यात्रा में शामिल हो रहे हैं या किया जा रहा है, यह तो बात का विषय है। फिलहाल जिस 15 साल में विकास को लेकर विकास यात्रा निकाली जा रही है, पर आज कुछ ऐसे भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, पंचायत है, जहां बुनियादी सुविधाएं या विकास कोसों दूर है। अभी कुछ दिन पहले मस्तूरी में हुए विकास यात्रा में भैंसाझार पंचायत के ग्रामीण विकास यात्रा में शामिल हुए थे। ग्रामीणों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विकास यात्रा में शामिल होने के लिए जनपद पंचायत अधिकारी का फरमान पंचायत सचिवों को था। भैंसाझार पंचायत के ग्रामीण जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत थी, जिस भैंसाझार पंचायत सचिव द्वारा भैंसाझार के ग्रामीण को विकास यात्रा में शामिल होने के लिए ले जाया गया था, उसी भैंसाझार में लगभग 40 से 42 पेंशनधारी हितग्राही 15 किलोमीटर का रास्ता तय करके जनपद पंचायत पहुंचे, जिसमें कि आधे से ज़्यादा लोग बुजुर्ग थे, कुछ विकलांग थे। भीषण गर्मी और कड़ी धूप में 10 से 11 महीनों का पेंशन प्राप्त नहीं होने के कारण इन सभी को जनपद पंचायत कोटा आना पड़ा। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा हर पेंशनधारी हितग्राहियों को 350 रुपये माह के हिसाब से पेंशन देती है, पर इस पेंशन की राशि से तो बहुत सारे बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों का जीवन यापन चलता है, पर पिछले 10 से 11 महीने इन सभी को पेंशन प्राप्त नहीं हुआ है। पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा इन हितग्राहियों को पेंशन की राशि उपलब्ध कराने की बजाय बहानेबाजी किया जाता है। साथ ही पंचायत सचिव दसरू राम मारवी द्वारा हितग्राहियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया है। पंचायत की महिलाएं द्वारा बताया गया है कि पंचायत सचिव, जो कि पंचायत में भी नशे की हालत में रहते हैं, कुछ भी राशन, आवास और पेंशन की बात करने या जानकारी लेने पर महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। हमारे द्वारा पेंशन राशि मांगे जाने पर हमें सीधा बोला गया है कि जहाँ जाना है जाओ, यहाँ से चले जाओ, अभी पेंशन की राशि नहीं आई है। पंचायत सचिव द्वारा पेंशन हितग्राहियों से इस तरह का व्यवहार करना काफी दुखद है, जिन पेंशनधारियों को 10 से 11 महीने से पेंशन प्राप्त नहीं हुआ है। पंचायत सचिव दासरू राम मारवी द्वारा इस तरह का व्यवहार करना एक शासन के प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। अब इस बारे में भैंसाझार के पंचायत सचिव दासरू राम मारवी से मीडिया द्वारा सवाल किया गया, तो उस दौरान भी पंचायत सचिव नशे की हालत में था और मीडिया के सामने भी महिलाओं से दुर्व्यवहार कर रहा था। मीडिया के सामने इस तरह का व्यवहार करने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्राम पंचायत में हितग्राहियों से पंचायत सचिव द्वारा किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा। इस पूरी घटना की जानकारी जनपद पंचायत अधिकारी अनुपस्थित में जनपद पंचायत के अधिकारी DS मैत्री से की गई, तो उनके द्वारा पंचायत सचिव को फटकार लगाते हुए पेंशनधारियों की समस्या का निराकरण के लिए कहा गया और जल्द से जल्द पेंशन की राशि देने की बात कही गई। पंचायत सचिव दसरू राम मारवी, जो कि शराब के नशे की हालत में था, 10-11 महीने से पेंशन की राशि नहीं मिलने पर जनपद पंचायत के कर्मचारी अधिकारियों को भी दोष दे रहा था। उसके द्वारा बार बार बोला जा रहा था, मेरा द्वारा पेंशनधारियों के सभी कागजात जनपद में जमा कर दिए जाए। मीडिया के पत्रकारों द्वारा जनपद पंचायत कोटा के अधिकारियों को पंचायत सचिव के मुलाहिजा कराने के लिए भी बोला गया। जनपद पंचायत कोटा CEO अनुपस्थित में DM मैत्री ने पेंशनधारियों को उनके आधार कार्ड की फोटोकॉपी के साथ खाते की फोटोकॉपी जमा करने के लिए कहा गया और उनके द्वारा उन पेंशनधारियों को यह भरोसा दिलाया गया कि जल्द से जल्द आपके खाते में पैसा आएगा। आश्वासन मिलते ही भैंसाझार में आए हुए पेंशनधारी वापस अपने ग्राम पंचायत भैंसाझार की ओर चले दिए। उसी के लिए आए हैं सर, आवेदन लेकर के आए हैं। CEO साहब, SDM साहब, कलेक्टर, कमिश्नर सबको प्रतिलिपि देंगे। तो अधिकारी से मुलाकात हुआ CEO साहब से? अभी तक तो नहीं हो पाया है। क्यों, क्या बता रहे हैं, नहीं आए हैं क्या? अभी पता नहीं आए हैं कि नहीं आए हैं, अब आए हैं अब पता करना पड़ेगा। सचिव पंचायत में आता कि नहीं आता? पंचायत में जरूर आता है, पंचायत में आता है और पूछने पे यही बोल दिया जाता है कि आपके खाते में भेज दिया गया है। ये खाता सिस्टम जो है ना, वो और परेशान कर रहा है। खाते में भेज दिया गया है लेकिन खाता में जाके चेक कराने से पता चलता है कि खाता में तो आया नहीं है, बैंक वाला बताता है। जी कौन है सचिव? अभी दसरू मरावी। सरपंच अश्वनी दुर्वे। पर्चे बता देंगे जी। मैं विष्णु सिंह राजपूत, ग्राम बछालीपुर के ग्राम पंचायत। कैसे आ रहा दही जनपद पंचायत? मैं भी आया हूँ, पूरा जनता लेके आऊँ। काय महीना नहीं मिले? 10 महीना 11 महीना के, कोई के 10 महीना है, कोई के 11 महीना। कहा कहते सरपंच सचिव है? सरपंच कहते के तुम जाओ, बैंक में आए नहीं है, नहीं मानी आए हमारे लगे ही कहते।
बैंक में जावा मिल गए है तो तुम्हें खाता ला खोलवा के अपन नंबर में चेक करवावा। अब खाता नंबर ला धर धर के जाथन चेक करवाथन तब वो कथे के नहीं आए है ये मताच नहीं है तब काला दे ये कथे अनधन योजना में है यहाँ ग्रामीण बैंक में है वहाँ चल दे तब के बाद पैसा खर्चा कर करके जाबो हमारा मिलत है तेना तो ही में खत्म हो जाते तो के पैस जाबो और वही ला पूरा दे देव खाबो काला एक किस्म सब हुआ जाते। कतेक दूर पड़ते गांव तुम्हार भैंसा जा रहे यहाँ ले होटल ले यहाँ ले 15 किलोमीटर है रतनपुर भी वैसी 15 किलोमीटर है तो कामा है वहाँ ले भैंसा जा ले गाड़ी करे हम पिकअप करे हम किराया में अब पिकअप के किराया केला कौन दी हमारे बाप तो नहीं दे कोनो मेले करे हो बोता है आज तक के ककरो घर में बिहार में कोनो में बेटी बहनी के मजा तो इंतजार करत कर्जा करे अब कर्जा वाले हमारे सर पर चढ़त सचिव कहाँ ले सचिव सरपंच कहा थे मामले में कुछ नहीं कहे सचिव सरपंच मन कथे जहाँ जाना है तिहा जावा कथे अब कथन कहा नाम है तुम्हारे सचिव और सरपंच के मोर गांव के सरपंच के अश्वनी तो सचिव के कहा नाम सचिव सचिव के नाम का है का नाम है तो राजपूत मोती भाई कहाँ रही था समय होता है जुलाई जुलाई तक दे दिया नहीं बाकी का क्या क्या कारण था बाकी नहीं देने का सर मैं तो यहाँ पूरा अपन पूरा बायोडाटा पूरा जमा कर नहीं तो 10-10 महीने इतना टाइम लगता है क्या बायोडाटा जमा करने के लिए अब जनपद जा रहे सर जनपद तो जनपद कौन जाना क्या जनपद अधिकारी जाने का इस बारे में भाई हम तो वहाँ जमा कर दिए हैं सर नहीं तो शासन के प्रतिनिधि आप होगी जनपद सीईओ है नहीं सर माने जत का कागजात है मैं तो जमा कर दिया तो आपको पता करना चाहिए मैं तो रोज आया कल भी कर रहे हैं सर यहाँ नहीं आपको बिलासपुर जाना चाहिए ना यहाँ क्या नहीं सर तो मैं जहाँ जमा कर रहती है मैं यहाँ कर रहे हैं सर नहीं तो ग्रामीणों का आरोप हो कि आप पंचायत में रहते ही नहीं हो आधा ज्यादा गाँव में ज्यादा समय रहता है आपका मैं तो सबसे ज्यादा पंचायत में नहीं वो तो आप कह रहे हो ना वो तो ग्रामीण बताएंगे ना ठीक ना सर ग्रामीण आज 1500 रुपए किराए का गाड़ी करके शिकायत करने आए हैं तो उसका भुगतान कौन करेगा आपके वो होने आपके तब उनके वो आपके गलती वजह हुआ कहां से सीखे आप करेंगे भरपाई इसका भाई पेंशन अभी तो पंच वहां शासन से माने जा होते जिला से होते पहले हमन पंचायत ले इन सब का पेंशन कब तक हो जाएगा ये बताइए आप सर का सर अभी मैं पूछ देता हूँ नहीं पूछने से नहीं अभी कब तक होगा आप डेड लाइन बताइए कि कब तक इनका पेंशन होगा ये बार बार नहीं आ सकते ना ये 10-11 महीनों में आपको कुछ नहीं आता इसका मतलब आपको संबंध जानकारी नहीं क्या उसका क्या बोलते हैं अभी बोले हैं कि पेंशन कैसे नहीं भेजे तो मैं तो पूरा काला बोले अभी तो बोले काला बोले है नाम हुई जो नहीं सर जो नहीं ये करते अभी माले जाए टाइपिंग करते थे ना तो नाम तो है कौन करते कहाँ नाम होकर जगह से बोले पहले प्रिंस तो है ही नहीं कौन आ गया प्रिंस की जगह में प्रिंस की जगह तो सर है आप कितने दिन से हो वैशाली खुर्द में सचिव पद में साल भर हुआ है तो साल भर से आपको जानकारी नहीं कि इनको साल भर से भी पेंशन नहीं मिला है रोज रोज आके शिकायत करेंगे आपसे ये काम तो आपका है मैं रहे तो तब तक पूरा हर महीने देवत रहे सर जब जन यह होते इसे एक्स्ट्रा के एक्स्ट्रा महीने देवत रहे पंचायत के पैसा पूछ ले भैया आप मतलब बोले ना मैं है तो वहाँ पे देंगे वहाँ पे तो कहाँ कहाँ आपको ढूंढते हम कोई काम आखा घर घर में हम तो गली गली में घुमाते रहे तोला खोज के महीना मिले तो अभी तक 8 महीने के मिले आओ सदस्य मंत्री कैसे नहीं मिले 8 महीने है तो सबके मिले जनता मन के एक झन के व्यक्तिगत के मिल गए तो मिल गए का आखो मतलब है वो सबके काज जब देता ज्यादा थी लमी देता उनका नहीं गरीब आदमी आज का सुबह सुबह आ बता दे कि आ घर घर हम बोला था मैं कहते वहां पे अपन की खा के वहां घुसते वहां घुसते जाई था हम क्या बोले हम भैया का ले ठीक का पी खा के मतलब का पीछे खा ओ मंच में दे हूं चला ओ बदल लग के देर में लेते हैं का बोल अरे का पीछे को ला कहते हैं डॉक्टर को मुरैया कर ले दारू पिए हूं दारू के बोले अभी भी उधर से की आधी को अधिकारी ने नहीं करना चाहे एमएलए आके लहू तो भाग जाए कहां जाना है कलेक्टर में जाना है सीओ में जाना है हम गरीब आदमी नहीं कुछ लोग आए हुए हैं उनको अभी तक पेंशन की राशि प्राप्त नहीं है काफी बुजुर्ग लोग हैं सर तो सरपंच सचिवों का कहना है कि आप जहां जाओ वहां जाके ले लो इस टाइप का बुजुर्गों के साथ बात किया जाता है सरपंच सचिव द्वारा नहीं ऐसी बात नहीं है एक्चुअली क्या कि जितना भी पेंशन के ड्राइंग है
उनके सूची ऑनलाइन भुगतान है तो वहाँ भेज दिया गया है। यदि भाई जब रिजेक्शन में आया होगा उनका तो रिजेक्शन की सूची मंगाई जा रही है और जैसी और सूची प्राप्त होती है उसका निराकरण करके उनको शीघ्र भुगतान किया। सर 10 से 11 महीना काफी लंबा वक्त हो जाता है। नहीं, ये जानकारी अभी आई है ना, इसके पहले नहीं बताया गया था। ये तो क्या सर शासन के जो प्रतिनिधि हैं सचिव सरपंच इनसे क्या बातचीत या संवाद नहीं होता है, क्या बताते नहीं लोग की ऐसा कुछ घटना है? लिस्ट यहाँ गया था ना, लिस्ट आने के बाद हम लोग वहाँ भेज दिए थे। सब ऑनलाइन पेमेंट होता है, ऑफलाइन पेमेंट तो हो नहीं रहा है। ऑनलाइन पेमेंट हम करने की वहाँ सूची भेज दी है भाई, जब उनका इन लोग आए हैं उनका नाम रिजेक्शन में आया हुआ उसकी सूची मंगाई जा रही है, उसको शॉर्ट आउट करके जल्दी जल्दी। लगभग सर 30 से 35 लोग हैं जिसमें बुजुर्गों की संख्या बहुत ज्यादा है, लोग काफी 15 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से वैशाली खुर्द, आना जाना दिक्कत हो जाती नहीं, है। किसी के माध्यम से भी खबर भिजवा देते तो उसका निराकरण कर देते। कब तक वैसे सर निराकरण होने की संभावना है इसमें? हम लोग देखिए बहुत डेट तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होता है, लेकिन जितना जल्दी जल्दी हो सके कि इसका निराकरण करा दिया जाएगा। पर्चा बता देंगे सर। मैं DS मैत्री साइकिल अधिकारी जनपद पंचायत कोटा।